वेलकम टू एवरी वन ऑन ऑनलाइन वॉरियर्स चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन वॉरियर्स चैनल पे आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी के लिए अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं अगर आप किसी भी आरबीआई तैयारी कर रहे हैं आप एस एस सी तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले एक काम करिए कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए क्योंकि जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है वो पेपर में आने ही आने हैं मैं लिख के दे रहा हूँ जितने भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो बैंक वाले जितने भी तैयारी बनना चाहते हैं तो मेरे इन शब्दों को रिकॉर्ड कर लो कुछ भी कर लो और मैं कहना चाहता हूँ ये क्वेश्चन आपके आने आने वाले हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि क्वेश्चन आएंगे नहीं क्या टॉपिक है टॉपिक आपके सामने लिखा है आरबीआई कोविड नाइनटीन बूस्टर क्या किया है आरबीआई ने इस कोविड नाइनटीन के लिए अब हमें समझना है ये आरबीआई की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं कोविड 19 के लिए वो फैसले क्या क्या लिए गए हैं मुझे उनके बारे में जानकारी करनी है इस पूरे पीपीटी को या फिर ये कहा जाए पूरे प्रेजेंटेशन को जो बनाया है रीना यादव जी ने बनाया है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं तो शुरुआत करता हूं उन तमाम पहलू के साथ जो आरबीआई ने जो आरबीआई ने अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए हैं कैसे चीजों को देखा जाए तो शुरुआत आती है कि आरबीआई द्वारा लिए गए कुछ स्टेप को जिसमें आरबीआई ने कहा आसानी से जो भी जो भी रुकावट हो रही है फाइनेंशियल स्ट्रेस मतलब फाइनेंशियल बेसिस पर जो कमी हो रही है उनको दूर करने के लिए आरबीआई ने अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए हैं तो मैं बात करूंगा उन तमाम कदमों के बारे में सबसे पहले आपके स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉइंट दिख रहा होगा जहां पे लिखा है पंप 3.74 लाख करोड़ इनटू द इकोनॉमी इकोनॉमी के अंदर इतना पैसा मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है जो इसके बारे में आरबीआई उसको कहना चाहता है तो 3.74 लाख करोड़ लाख करोड़ मनी इन्वेस्टेड बाय आरबीआई जिसने आईटी को मार्केट में डाला है तो मैं बात करना चाहता हूं उस के बारे में क्या स्टेप है, है पहला स्टेप है रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस बाय 25 बेसिस पॉइंट फोर टू थ्री पॉइंट सेवन फाइव ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है आपको याद होगा मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो में मैंने आपको समझाया था रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये रेट होता है जहां पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है मतलब बैंक क्रेडिट टू आरबीआई इट अ पार्ट ऑफ अब आरबीआई चाहता है कि बैंक आरबीआई को ना के मार्केट में लोन ज्यादा दे लिक्विडिटी का फ्लो ज्यादा बढ़ाए इसीलिए आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को यहां पर रिड्यूस किया है अगला क्या है डेज एनपीए नॉट अप्लाई टोरियम ग्रांटेड मैं फिर कह रहा हूं मोरटोरियम ग्रांटेड ऑन एग्जिटिंग लोन बाय द बैंक विच प्रोवाइड रिलीव टू द बोरोवर एनपीए शब्द आया है ये एनपीए क्या है इसके में मैंने छांट-छांट के आप लोगों के लिए पॉइंट बनाए हैं ताकि उन चीजों को हम आसानी से चीजों समझ सके इसलिए इन पॉइंटों को मैंने ड्राफ्ट किया है हम बात करेंगे कि एनपीए क्या होता है हम बात करेंगे कि ये मोरटोरियम का मतलब क्या होता है ईच एंड अगला है वे एंड मीन एडवांसेस लिमिट ऑफ स्टेट इंक्रीज डब्लू एम ए बोलते हैं राज्यों के लिए कुछ यहां पर चीजों को बढ़ाया गया है से 60 किया गया है ताकि स्टेट आसानी से जो बीमारी है उससे लड़ सके क्या है बात करेंगे कि डब्ल्यू एम ए क्या होता है अगला एल सी आर उसको बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर कॉमर्शियल बैंक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ब्रॉड डाउन हंड्रेड टू आपको लग रहा होगा कि सर ने इतनी सारी बातें कह दी हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है मुझे मालूम है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए मैंने आपकी समस्या को देखते हुए कुछ पॉइंटों को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ताकि वो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएं जी हाँ तो बैंक वालों तैयारी कर लो क्योंकि जो जो मैं कहना चाह रहा हूं वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हंड्रेड एंड वन परसेंट है मैं फिर कह रहा हूं नोट कर लो मेरी बात को एक सौ एक परसेंट है उससे ऊपर भी हो सकता है तो वो भी है क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो टर्म्स आपके सामने आने जा रही है तो पहला पॉइंट क्या है डिस्कस किया है मैंने जिसको हमें रिव्यू करना है टीएलटीआर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस ऑप्शन डिस्कस करेंगे इस भी एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और लास्ट वे एंड मीन एडवांसेस चलिए शुरुआत करते हैं मैंने कहा ये चार पॉइंट हैं इन चार पॉइंट को रिलेटेड से हम चर्चा करेंगे कि होते क्या हैं टीएलटीआर एनपीए LCR एंड वे एंड मीन एडवांसेस हैं उन सब पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने पहला पॉइंट वॉट इज अ टीएल टीएल होता क्या इसको कहा गया है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑप्शन मैं फिर कह रहा हूं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑप्शन इसमें यह कहा गया है कि एल टी आर ओ एक ऐसा टूल है एक ऐसा टूल है जहां पर सेंट्रल बैंक सुन लीजिए मेरी बात को जहां पर सेंट्रल बैंक क्या करते हैं लोन देते हैं किसको लोन देते हैं यहां पर बैंकों को देते हैं एक साल से तीन साल के लिए शब्द को समझेगा एल टी आर ओ इज अ टूल इन विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड अ लोन टू द बैंक फ्रॉम वन ईयर टू थ्री ईयर एक साल से तीन साल की जो लोन दिया जाता है किस रेट पर देंगे हम रेपो रेट पे जो रेपो रेट है उस पर देंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करके मतलब बैंक यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई पास रखेगा और उन्हीं सिक्योरिटीज को उन्हीं सिक्योरिटीज के बेसिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देगा एक साल से तीन साल के लिए मैं फिर कह रहा हूं एक साल से तीन साल तक के लिए जो उधार देगा वो मुझे कहता है एल टी आर टर्म रीफाइनेंस ऑप्शन बात समझ में आ रही है आप लोगों को जी हाँ एल टी आर ओ एक तरीका है जहां पर बैंक यहां पर जो हमारा आरबीआई है बैंकों को उधार देगा एक साल से तीन साल के देगा किस रेट पे देगा तो रखेगा इस ऑफर एट द रेपो रेट किस पे देगा आपको ये रेपो रेट पे देगा आपको आई होप आपको क्लियर होगा इन चीजों के बारे में अगला क्या कह रहा है कि आरबीआई ने कितना अनाउंस किया है तो आरबीआई ने अनाउंस किया है पचास हजार करोड़ टू द एनबीएफसी क्या होता है एनबीएफसी एनबीएफसी को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं इनको हम बोलते हैं जी हाँ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या फिर कहा जाता है कंपनी दो हजार के अंदर रजिस्टर्ड होती है आरबीआई ने इनको कितना पैसा दिया है पचास हजार करोड़ रुपए टारगेटेड दिया है कैसे दिया है इसके बारे में भी मैं चर्चा करने चाहता हूं आज सबसे अब जैसे मैंने कहा पचास हजार करोड़ रुपए अनाउंस तो किया है ताकि मार्केट में पैसा जाए मार्केट में पैसे कमी ना हो जो रियल स्टेट है जो हमारे इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे साफ लिखा है टू क्रेडिट में जिनको पैसे की जरूरत है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको हमने पचास हजार रुपए यहाँ पर देने जा रहे हैं कैसे बांटा गया है पचास हजार का पच्चीस हजार करोड़ कहाँ जा रहा है आपके नाबार्ड के पास किसको दे रहा है आरबीआई नाबार्ड को नोट कर लो किसको दे रहा है नाबार्ड को फिर 15000 करोड़ किसको दे रहा है सिडबी को दे रहा है व्हिच इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और 10000 करोड़ किसको दे रहा है एनएचवी को नेशनल हाउसिंग बैंक तो ये तमाम 50000 करोड़ रुपए जो है जिसको बांटा जा रहा तीन हिस्सों के अंदर 25000 करोड़ 15000 करोड़ और 10000 करोड़ जो अलग-अलग संस्थाओं को जो इंस्टीट्यूशन है हमारे उनको दिया जा रहा है जिसको हम डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं या फिर स्पेशलाइज बैंक के नाम से कहा गया है आपके सामने ये गिवन है नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है मुंबई में है सिडबी का कहां पर है लखनऊ में है और एनएचबी का कहां पर है तो वो है आपका दिल्ली में ठीक है तो ये तमाम है जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आर अपनी बात को कहना चाह रहा है कि बाजार में जो अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर बैंक उन लोगों को आसानी से लोन दे सके बाजार में लिक्विडिटी की कमी ना हो पैसा कमी ना हो इसलिए उन लोगों को पैसा दिया जाएगा अगली बात करते हैं एनपीए वॉट इज आ एन अगर आप एनपीए की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसिड क्या बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसिड के नाम से कहा जाता है आपके एनपीए को तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एनपीए होता क्या है जैसे मैं बोलता हूं एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसिड बैंक ने आपको उधार दिया अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि बैंक का पैसा टाइम से रीपे करें क्योंकि जब आप रीपे करते हो तो जब आप अमाउंट देते हो बैंक को उसमें जो इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है बैंक की इनकम होती है अगर मान के चलिए कि वो बैंक की इनकम क्या हो जाए सीज हो जाए सीज ना रुक जाए कि पैसा हमें नहीं मिला बैंक की इनकम सीज हो गई जो एक साधारण से लोन है जो लोन लो आप पे लिया है वो नहीं मिल रहा है और आप उसको रिपेड नहीं कर रहे हो मतलब उसको पेड नहीं कर रहे हो और वो जो ड्यू है वो जो ड्यू है मतलब जो टाइम पीरियड है वो 90 दिन से ऊपर की क्रॉस कर जाता है तो बैंक ऐसे एसे एसेट को क्या मान लेता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैं फिर कह रहा हूं ऐसे एसेट्स को जो ओवरड्यू हो जाता है कि आप नहीं होता क्या है कि बैंक ने आपको उधार दिया अब आप बैंक का पैसा वापस करोगे कैसे इंस्टॉलमेंट्स में मंथली इंस्टॉलमेंट से पैसा वापस करोगे अब आपने एक महीने नहीं दिया दो महीने नहीं दिया तीन महीने नहीं दिया तो उसके बाद बैंक की नजर में आ जाता है कि भाई अब यह है हमारे लिए क्या बन गया है नॉन परफॉर्मिंग इस के बारे में जो एनपीए चैप्टर आएगा उसमें मैं ढंग से बात करूंगा एनपीए के बारे में अगला जो शब्द आपका आ रहा है वो है मोरटोरियम व्हाट इज द मोरेटोरियम मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है जहां पर बोरोवर ने उधार ले रखा है तो वो पैसा नहीं दे पाता है तो जब वो मोटोरिंग पीरियड खत्म होगा तो वो वहीं से दोबारा रिस्टार्ट करेगा मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं सहूलियत दी जा रही है किसको जिसने उधार ले रखा है जो हमारा एक तरीके से बोरोवर है वहां पर लैंडर उसको देता है कि भाई अभी आपका मोटोरिंग पीरियड चल रहा है इस पीरियड में आप नहीं देना चाहते हो तो आप बाद में जब वो स्टार्ट करेगा तो वो दोबारा से वहां से रिस्टार्ट कर सकता है अपने पेमेंट्स को और ये जो पूरी प्रोसेस है ये उन लोगों के लिए है जिन जिन्होंने एक मार्च से इकतीस मई के बीच में उन लोगों का आता है उन लोगों के लिए क्लासिफाई किया गया है एनपीए के अंदर तो आई होप आपको समय में आ रहा होगा कि एनपीए है क्या क्लियर है सभी लोगों को चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है वो क्या है एल सी आर जी हां एल सी आर इसका शॉर्ट टर्म है लिक्विटी कवरेज रेशियो अब आप कहेंगे सर ये भी बहुत ही टेक्निकल पॉइंट आपका आ रहा है एल सी आर देखो एल सी आर को जो रिप्रेजेंट किया है एक नाम से दिया है बेसल बेसल क्या है देखो शब्द आपको बेसल बेसल एक शहर है जो कहां पर लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हमारे बैंकों को मॉनिटरिंग कौन करता है आरबीआई करता है, लेकिन जब मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करता हूँ मतलब दिशा निर्देश देना गाइडलाइन देना वो कौन करता है बेसल बेसल का एक हेडक्वार्टर है बी आई एस है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और उन्हीं की एक कमेटी है इसको बोलते हैं बीसीबीएस बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरिजन तो जितने भी बैंक है बड़े बड़े बैंक है हमारे वर्ल्ड में वो बेसल की गाइडलाइंस को मान के चलते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि अगर हमें इंटरनेशनल लेवल में अपने आप को मिला के चलना है तो हमें बेसल की गाइडलाइंस को लेके चलना पड़ेगा तो इसलिए बेसल जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पहलू बन जाता है अब मैं बात करना चाहता हूं एलसीआर क्या होता है एलसीआर को कहा गया है इस कैलकुलेटेड मेरी बात को सुनना इसको नोट कर लेना जितने भी तैयारी कर रहे हैं बैंक वाले नोट कर लीजिए बाय डिवाइडिंग बैंक हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड फिर कह रहा हूं बैंक डिवाइडिंग द बैंक हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड बाय टोटल नेट कैश फ्लो की जो क्वालिटी लिक्विड एसिड है ये वो होते हैं जो बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड एसेड गोल्ड हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई हैं तो उनको हमने HQLA शब्द आता है HQLA अब ये कहा गया है जैसे आपने पढ़ा था कि अभी आरबीआई ने क्या कहा है आरबीआई ने कहा था कि 80 सौ से 80 कर लो तो सौ से 80 की बात ही लेकिन यहाँ जो HQLA का रखा गया है कि जो चीज आपके पास सिक्योरिटी है डिवाइडेड बाय द नेट कैश फ्लो कि जो सिक्योरिटी एक बार रखी हुई है उसमें से जो कैश फ्लो आपका हो रहा है उसका डिवाइड आप करेंगे तो वो बनाता है एलसीआर जैसे आपके सामने एग्जांपल है मान लीजिए कोई बैंक है जिसके इसके पास जो है, कितना रुपए है पचपन रुपए पचपन मिलियन ठीक है इतना क्या है उसके पास है? और पैंतीस मिलियन जो है जो पैंतीस मिलियन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वो उसके पास कैश फ्लो है इतना कैश मार्केट में जा चुका है तो कितना निकल कर डिवाइड करेंगे तो वन और 1.57 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना वो 157 तो मेरी बात को समझे आप कि अब क्या था पहले 100 परसेंट था अब 100 से हमें 80 करना है तो 80 के लिए हम कैश ज्यादा डालेंगे और सिक्योरिटीज अपने पास कम रखेंगे तो ये जो चीज जो है वो आरबीआई कहना चाहता है सबको आ रही है एलसीआर का मतलब क्या है अगर नहीं समझ में आए तो उसको मेंशन कर दीजिए कमेंट के अंदर समय नहीं आया दोबारा समझा दो मैं दोबारा समझा दूंगा तो एल सी आर क्या है कि जो लिक्विड एसेट है उसको डिवाइड किया गया है नेट कैश फ्लो में भाई मैंने कहा कि आपके पास सौ रुपए है मान लो सौ रुपए है आपके पास ठीक है सौ रुपए है और सौ रुपए के सामान आपके पास रखा हुआ है और उसमें से उसमें से नब्बे रुपए जो हैं जो नब्बे रुपए जो हैं मान लेते हैं पचपन रुपए है पैंतीस रुपए मान लेते हैं आप मिलियन हटा दो रुपए को समझो कि पचपन मिलियन और पैंतीस मल्टीप्लाई करूंगा हंड्रेड से तो कितना आएगा वन फिफ्टी सेवन आपका रिक्वायरमेंट बता रहा है क्लियर सबको अगला है वे एन मीन एडवांसेस जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एम ए हम सबको जानते हैं कि आरबीआई बैंकर किसका राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो उन सभी सरकारों का आरबीआई क्या है बैंकर है लेकिन एक स्टेट का नहीं है उसका नाम है सिक्किम सिक्किम राज्य का वो अकाउंट मेंटेन नहीं करता है क्यों नहीं करता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे तो वो उनको लोन देता है लोन देता है सरकारों को राज्य सरकारों को देता है जो भी कुछ मिसमैच होता है उसके लिए उनको उधार देता रहता है किस रेट पर देता है रेपो रेट पे तो आरबीआई ने आपने क्या पढ़ा था कि भाई यहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो पहले लिमिट 30 थी उसको बढ़ा के हमने साठ कर दी पहले आप 30 परसेंट ही उधार ले सकते थे आरबीआई से आप कितना लेंगे 60 परसेंट तो ये 30 और साठ या फिर कोई भी रेशियो है ये रेशियो डिसाइड कैसे होता है तो उस रेशियो को डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला है वो ये है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रूल समझे बात डब्ल्यू एम लिमिट आर बेस्ड ऑन थ्री ईयर तीन साल का एवरेज ऑन स्टेट एक्चुअल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये जो चीजें हैं जो मैं मैं बताना चाह रहा हूं कि राज्यों का डब्ल्यू एम डिसाइड कैसे होगा मान लीजिए उस राज्य का खर्चा सौ रुपए है सौ रुपए उसका रेवेन्यू भी है और एक्सपेंडिचर मिला के सौ रुपए बनता आपका ठीक है तो सौ रुपए के हिसाब से मुझे कितने पहले लोन मिलता था तीस रुपए का लेकिन पहले मुझे तीस रुपए का उधार मिलता था लेकिन अब आर्मी ने क्या किया कि भैया साठ रुपए हम आपको देंगे अब आपको साठ रुपए का उधार देंगे किस रेट पे देंगे तो वो देंगे रेपो रेट पे तो रेपो रेट पे हम यहाँ पर आप लोगों को उधार देंगे आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जिस पॉइंट को लिए मैंने बात की था एलटीआर ओ एनपीए एलसीआर और डब्ल्यूएमए तो मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं होगा कि आरबीआई कैसे एक्शन लेता है मैं आज सभी लोगों का धन्यवाद है और मैं चाहता हूं इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को देखते रहिए इस तरह की नायाब वीडियो आपके सामने आएंगी जिससे आप लोगों को कोई भी चीज को समझ में नहीं आता तो आपकी मदददार होगी